तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा नवा क्वेश्चन। क्या कहता है नाइन्थ क्वेश्चन? पॉइंट एबीसी आर इन अ सर्कल, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये सर्कल के ऊपर है, बोल दिया। सच दैट मेजर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क बी सी इज इक्वल टू 120। ये जो मेजर ऑफ आर्क ए बी है ये 120 है और मेजर ऑफ आर्क बी सी है 120 है। नो पॉइंट एक्सेप्ट पॉइंट बी इज कॉमन टू द आर्क, ये बी है उसके सिवा कोई पॉइंट कॉमन नहीं है इसलिए कहा है। तो विच ऑफ द टाइप ऑफ ट्रायंगल एबीसी, जो ट्रायंगल एबीसी है वो कौन सा ट्रायंगल है हमें देखना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्केलन ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर बच्चों हमें पता है मेजर ऑफ आर्क एबी प्लस मेजर ऑफ आर्क बीसी प्लस मेजर ऑफ आर्क एसी, ये तीनों मिला के कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो यहां पर हमें एबी दिया हुआ है, बीसी दिया हुआ है, तो हमें एसी निकालना है। तो 120 प्लस 120 प्लस मेजर ऑफ आर्क एसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360। उसी तरह से मेजर ऑफ आर्क एसी हम क्या निकालेंगे, 360 निकाल लिया हमने, 360 माइनस 240 इज इक्वल टू 120 आ गया है। ठीक, अच्छा अब हमको पता है ये जो है एंगल, ठीक, ये जो है इंस्क्राइब्ड एंगल है, जिसके कारण हम बोल सकते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ एंगल ए सी। ठीक है, ये हमने लिख दिया है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ एंगल ए सी। कौन सी थ्योरम हम यूज करेंगे, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम यूज करेंगे। यहां पर इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ठीक, जिसके कारण हम बोल सकते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए सी। तो हाफ इंटू 120 कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये बच्चों 60 आ गया, इस तरह से हम इसको भी 60 निकालेंगे और इसको भी 60 निकालेंगे। तो हमें पता है जब कोई ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल सेम होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। इसको छाप लो, फिर 10वें प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं।